में आपका स्वागत है। आज आ गई है आयजा। आयजा हेलो बोलो। हेलो। आवाज़ दे दो। आवा आवा उधर दे दो, सबको हेलो कर दो ऐसे ऐसे। हेलो। तो आज दोस्तों ईद है और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए मिक्स्ड फीलिंग्स है इंडिया में, गम भी एक तरफ हम खुशी भी मना रहे हैं, तो उम्मीद करते दुआ करते कि ये सब कुछ खत्म हो जाए और फिर हम दिल से अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करें, यही मैं चाहता हूँ। और आयजा ने आज अच्छे कपड़े पहन के देखो। अरे बाप रे। चलो ठीक है, फटाफट से देखते शुरू करते हैं। यहाँ पर ही रखना पड़ेगा माइक, यहाँ रखता तो ये अभी खींच के फेंक देती थी। बाय बाय कर दो। ठीक है चलो। पोल की बात करें उससे पहले आपको एक अपडेट दे दूं। हमारा जो टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन वाला वीडियो था वो अभी आएगा मंडे के दिन। जी हाँ, हमने आज बैटल ग्राउंड्स वाला वीडियो डाल दिया इसलिए हमने उसको शिफ्ट कर दिया, तो मंडे के दिन तैयार रहना। और पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था 5G फोन आप परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो 30% लोगों ने कहा कर रहे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने कहा नहीं, अभी फिलहाल के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। लाइक करिए दोस्तों, आज खूब सारे लाइक्स करिए। और हाँ, क्योंकि वाकई में एग्जैक्टली 40,000 लाइक्स हम पहुंच गए थे प्रीवियस टेक न्यूज पर, बहुत बहुत शुक्रिया। और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं, उससे पहले दोस्तों आपको एक चीज बतानी है। टेक्नोरोवेस ने जो कमिट किया है पिछले 5-6 साल से यूट्यूब पर कि टेक न्यूज आपको डेली मिलेगी, तो डेली ही मिलेगी, फिर ईद हो, दिवाली हो, होली हो, टेक न्यूज तो आपको मिलते ही रहेगी। और ये सब मोटिवेशन है, आपका प्यार और सपोर्ट, इसलिए हम ये सब कुछ करते हैं। पहली खबर आ रही है क्वालकॉम की तरफ से। क्वालकॉम की एक्चुअली में फिलहाल के लिए जो स्थिति है वो थोड़ी बुरी चल रही है। बताया जा रहा है कि चिप शॉर्टेज की वजह से अब उनके पास बजट चिपसेट और मिड रेंज चिपसेट के लिए बजट ही नहीं है, तो शायद वो ये चिपसेट प्रोड्यूस ही ना करें और फिलहाल के लिए अब फ्लैगशिप चिपसेट पर ही वो लोग फोकस कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है और काफ़ी बुरी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि ये जो चिप शॉर्टेज वाला मामला है ये बहुत सीरियस है और आगे चल के कुछ भी हो सकता है। क्या पता फोन्स डिले हो जाए और जो एग्जिस्टिंग फोन से, या अगर कुछ फोन लॉन्च भी हो रहे तो उनकी प्राइस बढ़ जाए, ये सारी चीज़ें होगी। और पहला इफेक्ट अब क्वालकॉम पर देखने को यहाँ पर मिल रहा है, तो मीडियाटेक की कोई खबर नहीं है लेकिन क्वालकॉम को शॉर्टेज हो रही है, ये इशू हो रहा है। देखते हैं इस पर क्वालकॉम कैसे ओवरकम करता है, थोड़े दिनों में ही पता चलता है। रियलमी राधे, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि राधे मूवी में रियलमी का खूब प्रमोशन हुआ, कल मैंने पिक्चर देखा और क्या ही बताऊँ, वॉन्टेड 2 जैसा फील आया, कुछ खास नहीं है। वॉन्टेड उससे वे वे बेटर थी, वहीं से सलमान खान का टाइम शुरू हो गया था दोबारा। और ये पिक्चर चल रही है, बस चल रही है, समझ नहीं आ रहा है कोई भी कुछ भी कर रहा है, हवे में उड़ रहे हैं। एनीवेज खैर, तो मैं यहाँ पर क्रिटिक्स नहीं हुए, मूवी का रिव्यू दूँ। रियलमी का जो X2 प्रो है आई थिंक वो बार बार पिक्चर में दिखाया जा रहा था, सलमान खान खुद पर्सनली यूज़ कर रहे थे। हाँ, तो रियलमी वाले खूब खर्चे कर रहे हैं। आई थिंक बेटर रहेगा आप ये सब छोड़कर अगर सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करें तो आई थिंक और भी सस्ते में हमें इनके फोन्स देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, सैमसंग की तरफ से दो इंटरेस्टिंग खबरें आ रही है। पहले तो दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि सैमसंग का हमें एक डेडिकेटेड गेमिंग स्मार्टफोन बड़ी जल्दी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, सैमसंग ने EUIPO यूरोपियन यूनियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर कुछ फाइल किया है और दो नाम सामने निकल कर आए। एक है दोस्तों एक्टिव फैन मोड, दूसरा है अनलीश योर फैन पावर। और आई थिंक ऐसा लग रहा है कि सैमसंग का ये जो फोन होगा इसमें आपको डेडिकेटेड फैन मिलेगा, जो बेसिकली हमें कुछ रेयरली गेमिंग फोन्स में देखने को मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये सैमसंग का फोन होगा, गेमिंग फोन, जो सैमसंग बड़ी जल्दी लेके आ सकता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों ये। वैसे दूसरी तरफ सैमसंग अपना AR ग्लासेस पर बहुत दिनों से काम कर रहा था और अब उसके कुछ पेटेंट्स वगैरह बाहर निकल कर आ गए और सेंटर में देखेंगे एक कटआउट भी मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ बीच में आपको कुछ कैमरा वगैरह भी देखने को मिल सकता है। तो सैमसंग के AR ग्लासेस भी दोस्तों बड़ी जल्दी आएगा, शायद इस साल ही मिलेंगे और देखते हैं क्या खास सैमसंग करता है। अगर आपने हमारी M42 वाली वीडियो नहीं देखी अनबॉक्सिंग तो देख लेना, इस पर एक और वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे थे तो कमेंट में बताना एक और वीडियो चाहिए, रिव्यू वगैरह जो भी है तो बताना, जरूर लेके आऊंगा। गूगल अब एकदम नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है दोस्तों, सीरियसली। गूगल पिक्सल 6 और 6 प्रो के कुछ फोटोज बाहर आ गए, जॉन प्रोसर उन्होंने ट्विटर पर डाला है। ये देखो दोस्तों, लिटरली कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार, मानो या ना मानो, मुझे ये एक्चुअली में जो बैक पैनल इसका वो थोड़ा डिफरेंट लगा। और अगर सारी ब्रांड इस तरीके का अप्रोच ले, कुछ नया करे, तो मजा आ जाएगा। जैसे कि पोको वाले एक तरफ कर रहे हैं, खूबसूरत फोन दे रहे, गूगल जो है अपने पिक्सल 6 सीरीज के साथ में कुछ वैसे ही कर रहा है। और ये बताया जा रहा है कि कन्फर्म्ड है, मतलब वाकई में फोन ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, समथिंग न्यू, समथिंग यूनिक। बस ये फोन इंडिया में भी आ जाए, क्योंकि पिक्सल 5 सीरीज तो नहीं मिली, 6 आ जाए तो मजा आ जाएगा।
Redmi K40 Gaming Edition जो चाइना में हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसका रीब्रांड इंडिया में पोको F3 GT के नाम से आएगा। हाँ, फिलहाल के लिए तो वही पता चला था। इसकी प्राइस लीक हुई है और बताया जा रहा है कि इंडिया में अराउंड 20,000 के रेंज का हो सकता है और इसमें Dimensity 1200 है। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पर भी वही था और अगर इस प्राइस में समथिंग ये फ़ोन आता तो मेरे ख्याल से मज़ा आ जाएगा। पोको F2 के नाम से आना चाहिए था तो ये जस्टिफाई होता था, आप समझ रहे हो। पोको F1 के लेवल अलग था, पोको F2 Dimensity 1200 20,000 मज़ा आ जाता। अभी नाम डिसाइड नहीं, लेकिन बड़ी जल्दी ये इंडिया में आएगा, जून के आसपास शायद हम इसके बारे में पता चलेगा। इंटेल वालों ने कमाल कर दिया है दोस्तों, मतलब लिटरली मैं GTA 5 का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने इतने सारे मॉड्स, इतने सारे उसके ग्राफिक्स अनाउंसमेंट्स देखा हो कि मैं आपसे क्या बताऊं, लेकिन ये जो इंटेल की कुछ रिसर्च टीम ने जो किया है ये सबसे नेक्स्ट लेवल पर किया है। लिटरली गेम को उन्होंने रियल लाइफ में कन्वर्ट कर दिया है। जी हाँ, और ये जो प्रोजेक्ट पर वो लोग काम कर रहे हैं उसका नाम है एनहांसिंग फोटो रियलिज्म एनहांसमेंट प्रोजेक्ट। अब ये फिलहाल के लिए सिर्फ शुरू कर रहे हैं वो लोग काम और धीरे धीरे क्या पता इसको अवेलेबल भी कर दे। और इसका पूरा वीडियो उन्होंने यूट्यूब पर डाला था, आप देखेंगे एक तरफ GTA 5 गेम है, दूसरी तरफ इन्होंने जो उसको एनहांस किया है वो आपको दिख रहा है, रियल लाइफ GTA 5। मुझे लगता नहीं GTA 6 की फिर जरूरत पड़ेगी, कहां से कहां टेक्नोलॉजी जा रही है और मॉड में ही दोस्तों इतनी सारी चीजें मिल रही है कि लोग GTA 6 के बारे में सोचते भी नहीं है जो GTA 5 में हो रहा है। कैसी लगी ये ग्राफिक्स कमेंट में ना जरूर से बताना। आइए आइए आइए, वेलकम। आज कोनिया नहीं मारेगा, आज मैं गले मिले। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया दोस्तों फाइनली प्री रजिस्ट्रेशन इसका जो है वो 18 मई से शुरू हो जाएगा। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर नया टीजर भी डाल दिया है। जी हाँ, और उन्होंने बताया कि कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स होंगे उन्हीं लोगों के लिए जो प्री रजिस्टर करते हैं 18 मई को, और ये सिर्फ इंडिया ओनली होगा, सिर्फ इंडियन यूजर्स के लिए होगा। अब वो क्या होगा उसके बारे में उन्होंने बताया नहीं, लेकिन जब आप गेम खेलना शुरू करेंगे मे बी जब ये जून से अवेलेबल होगा उस वक्त आप उसका फायदा उठा सकते हैं। हाँ, अब वो जो भी रिवॉर्ड होगा क्या होगा मैं आपको जरूर से अपने टेक न्यूज़ में बताऊंगा। हमने एक वीडियो बनाया है, आप जाके उस वीडियो को देखना, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छी खबर है गेमर्स के लिए, हम सबके लिए, कि धीरे धीरे जैसे जैसे खबरें आ रही है बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी खबरें आ रही है, बस गेम प्ले का इंतजार है जिसके लिए मैं बेसब्री से वेट कर रहा हूं और आपको दिल से मुझे बताना है कि भाई इस गेम में क्या खास है। दिल कर रहा है नहीं, लेकिन आज नहीं, आज नहीं। वैसे Xiaomi दोस्तों बताया जा रहा है कि Redmi Note 8 कब लॉन्च हुआ था, ये 2019 में भी, और आई थिंक मैं चाइना भी गया था इसके लिए, याद नहीं मुझे। तो ये जो फोन है इसको दोबारा इंडिया में लॉन्च कर रहा है विथ MIUI 12.5 और 4000 mAh की इसमें बैटरी होगी, ऐसा कुछ इंडिया के अंदर लिस्ट हो गया है। और ये क्या कर रहा है, काइको कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, जरूरत ही नहीं है, कुछ नया करो, पुराने फोन को वापस रीबूट करके वही सेम चीज Xiaomi वाले, आई क्विट। क्या आपको बताएंगे दोस्तों, नॉर्थ कोरिया, अगर आप वहां पर जाकर नॉर्थ कोरिया बोलते, अरे मैं तो नॉर्थ कोरिया में आ गया, अरे नॉर्थ कोरिया के लोग ऐसे वैसे, और किसी ने सुन लिया तो वो क्राइम मानते, वहां पर नॉर्थ कोरिया नहीं बोलते उसको, सिर्फ कोरिया बोलते हैं। जी हाँ, आज के लिए करता आपको आज के लिए पसंद आएगी, पसंद आए लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।